करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो वेबिनार उसे मैं ही होस्ट करने वाली हूँ, एंड आज का जो वेबिनार रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है दैट इज BOPP, एंड BOPP के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको मैं सारी की सारी चीजों के बारे में ओवरव्यू देने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको प्रोफाइल के बारे में भी पता लगेगा, प्रोडक्ट क्या है और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली उसके बारे में भी आपको पता लगने वाला है, ठीक है। एंड छोटी सी एक्टिविटी हम सभी लोग एक और करेंगे, आप सभी लोग इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दें दैट यू आर इन लाइव वेबिनार। फास्ट डूइंग दिस एक्टिविटी, जल्दी फास्ट करिएगा, मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो उन पर्सन को सेंड कर दे जिन्होंने आपको लिंक दिया। सो बाकी हम कंटिन्यू करते हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस मायसेल्फ, दिस साइड भावना शर्मा, को फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी एंड सेल्फ मेड मिलियनेयर, मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ टॉप MNC ऑफ अमेरिका के अंदर। एवरेज मंथली इनकम की बात करूँ तो 1.5 लाख से ज्यादा मैं महीने का अर्न कर रही हूँ इस सिस्टम से। इसके अलावा बात करूँ तो आप ही के जैसे काफी लोगों को हम प्रोफेशनल बना चुके हैं हमारे सपोर्ट सिस्टम से Win23 के, राइट। सो आज का जो मेरा बेसिकली टॉपिक है दैट इज BOPP, एंड BOPP की फुल फॉर्म की बात करूँ तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट प्लान, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पूरे वेबिनार में बने रहिएगा, वेबिनार को बीच में लीव ना करें, कहते हैं आधी अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज को हम बीच में कोई ट्रेनिंग्स अगर हम ले रहे हैं उसको हम बीच में स्किप करें, बीच में लेफ्ट करें, तो उससे क्या होगा आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अगर नॉलेज लेनी है तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को पता होगा कि आज जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, जिस वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे हैं, दैट इज अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये क्या है? फाइनेंशियल वर्ल्ड है। कहते हैं इस दुनिया में आने के भी पैसे लगते हैं और इस दुनिया से जाने के भी पैसे लगते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, आपको जिंदा रहना तब भी आपको पैसे चाहिए और चैन से मरना तब भी आपको पैसा चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं पैसे की जरूरत कोई आज से नहीं है, पैसे की जरूरत स्टार्टिंग से, देखो 1940 का टाइम आया था, आपको पता है 10 रुपए में घर चल जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ईयर्स बढ़े, महंगाई बढ़नी स्टार्ट हुई, जहां पर 10 रुपए में घर चलता था वहीं पर ही 20 साल के बाद 100 रुपए में घर चलने लगा, 80 के टाइम में 1000 में घर चलने लगा, 2021 के टाइम में 2022 राइट नाउ 2022 है, और 2022 के अंदर हर घर को चलाने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज की जरूरत है। अगर आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो तो महंगाई में सरवाइव करना इट्स नॉट इजी, आपके लिए इजी नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट मैं सर्वाइविंग की बात करूँ, लेकिन अगर आपको एक लाइफ अच्छी देनी है, टू लिव अ ग्रेट लाइफ स्टाइल टूडे, वी नीड 1 to 5 लाख पर मंथ इनकम। अंडरस्टैंड करिएगा, हमें अपने इनकम को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट लेकिन एक सवाल आप सभी से मैं करना चाहती हूँ, इज इट पॉसिबल विद आर एजुकेशन सिस्टम? आज तक जो हम डिग्री ले रहे हैं, हमारी डिग्री से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से आपको लगता है कि हम 1 लाख 5 लाख महीने तक का कमा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर नो ही होगा, राइट। बिकॉज मैं खुद अपनी बात करूं, मैं खुद मास्टर स्टूडेंट रह चुकी, 17 ईयर मैंने स्टडी में दिए, उसके अलावा बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, टीचिंग प्रोफेशन से थी, ठीक है, टॉप भी किया चंडीगढ़ UT में, आफ्टर दैट टॉपर स्टूडेंट होने के बाद जॉब की अगर बात करूं तो जॉब कितने की ऑफर करी? 8-10 हजार की। अंडरस्टैंड करिएगा, लाखों रुपया स्टडी पे लगाया, बट लाखों रुपया स्टडी पे लगाने के बाद क्या मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है? पॉसिबल ना हो पाता अगर मैं फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस ना होती, फॉरएवर के अंदर मैं वर्क ना करी होती, मेहनत ना करी होती मैंने, तो मैं महीने का 1-1.5 लाख रुपए नहीं कमा रही होती, मैं वही 8-10 हजार रुपए कमा रही होती, राइट। सबसे पहले हमें एक चीज देखनी चाहिए कि आज इंडिया में दो प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, फर्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज वेल्थ प्रॉब्लम। कहा जाता है बीमारी और बेरोजगारी, आप खुद चेक कर लेना अपने घर में, हर कोई आपको किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर मिलेगा, अपनी फैमिली में यू हैव टू चेक। उसके अलावा बात करूं वेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है पैसे की तंगी, है ना, आज के टाइम में बेरोजगारी जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है जिससे क्या है वेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आज हमारे इंडिया के अंदर। आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, कहते हैं पुअर हेल्थ कंडीशन इन इंडिया, और हेल्थ जरूरी क्यों है, ठीक है, हेल्थ जरूरी क्यों है। आप सभी के घर में देखो दूध आता होगा, है ना, कहते दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, उत्पाद 14 करोड़ लीटर और लेकिन खपत कितनी हो रही है 64 करोड़ लीटर, मतलब हमारे पूरे इंडिया में, भारत में 14 करोड़ लीटर दूध बनता है लेकिन खपत कितनी की जा रही है 64 करोड़, मतलब जो 50 करोड़ लीटर दूध है वो ओरिजिनल दूध नहीं है, वो मिलावटी कैसे ना कैसे करके वो तैयार किया गया, केमिकल भरा दूध है। और सोच को देखो केमिकल को हम अपनी बॉडी में डालेंगे तो क्या होगा, हेल्थ ही खराब होगी,
और यहाँ पे WHO ने एक चेतावनी दी है, वार्निंग दी। WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे के पूरे दुनिया के लिए जो कि यह सर्वे करती है। और उसने जब अपनी इंडिया में सर्वे किया ना, तब हमें यहाँ पे पता लगा कि 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर हो जाएगा। ये वार्निंग दी है अगर मिलावट को बंद नहीं किया गया, ठीक है। आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कहते हैं हृदय रोगों की वजह से भारत में बढ़ रहे हैं मौत के केस। अब सोच के देखें कि लोगों के हार्ट की आज के टाइम में 90% जो डेथ हो रही है लोगों की हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। आज आप जाना हॉस्पिटल के अंदर, लंबी लंबी मरीजों की लाइनें आपको मिलेंगी, राइट। इसके अलावा देखो, हमने स्टडी करी, डिग्री ली, हाई डिग्री ली, वो भी आज किसी काम की नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग, मतलब लगा सकते हो, कहते हैं लोग चपरासी बनने के लिए, कहते हैं चपरासी के 62 पद और 93,000 आवेदन, जिसमें से 3740 PhD होल्डर निकले। अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग, PN की जॉब के लिए ना PhD होल्डर तक अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि रोजगार ही नहीं है, अंडरस्टैंड करिएगा। और अभी आप सभी को पता है COVID-19 आया है ना, कोरोना वायरस आया, कितने सारे लोगों की जॉब्स चली गई। नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ ना, ये लास्ट ईयर का 73,50,000 लोगों की जॉब ना अप्रैल मंथ में, लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में खत्म हो चुकी थी, अंडरस्टैंड करिएगा। इसके अलावा PhD टॉपर ने मांगी मौत, हायर डिग्री ले ली बट रोजगार नहीं है तो क्या करेगा इंसान, ठीक है। लेकिन यू आर ऑल आर वेरी लक्की कि आपको एक ऐसी इंडस्ट्री आपका, आपको लाइक अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बने हो जिसकी अगर मैं बात करूं, जिसने आने वाले टाइम में बहुत हाई लेवल की ग्रोथ लेनी है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट गाइडलाइंस अबाउट दिस इंडस्ट्री, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज के टाइम में सरकार खुद इस चीज को आगे लेकर आ रही है, प्रमोट कर रही है, एंड गवर्नमेंट खुद चाहती है उसके जो बच्चे हैं वो जॉब सीकर ना बन के ना जॉब क्रिएटर बने, कि जॉब के पीछे भागने की बजाय ना जॉब देने वाले बने। वो चीज होगी कैसे? जब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होगा हर बच्चे का, जॉब सीकर वाला माइंडसेट नहीं होगा, जब क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होएगा, राइट। और इस माइंडसेट को बनाने के लिए ना सरकार ने क्या, वेरियस यूनिवर्सिटीज के अंदर कोर्सेज इसके लॉन्च करा दिए डायरेक्ट सेलिंग के। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स नेम PG डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, अंडरस्टैंड करिएगा। आने वाले टाइम में तो इसका बहुत ज्यादा क्राइटेरिया, बहुत सारी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, बट यू ऑल आर वेरी लकी कि यहाँ पे ना तो आपकी कोई एलिजिबिलिटी चेक की गई है, ना आपका कोई क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड चेक किया गया है ना, फिर भी हम इस सिस्टम से जो की है कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। बट आने वाले टाइम में कंपटीशन इस इंडस्ट्री में भी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा। एंड एक एक अगर सेमेस्टर की फीस की बात करूँ ना, एक साल की सेमेस्टर नहीं, और 2 साल का होगा ये कोर्स, ठीक है। 2 साल का अगर डिग्री होगी, 3 साल की होगी, तो सोच के देखे 1 साल की 75,750 सेमेस्टर की फीस है, अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज को। उसके बाद क्या चीज है, इसके अंदर क्या चीज सिखाई जाती है, बिल्ड योर, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीजें सिखाई जाती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, MBA के अंदर यही चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग, सारी की सारी चीजें यहाँ पे यही चीजें सिखाई जाती है, बिकॉज ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। अब आपको यहाँ पे अगर जॉब क्रिएटर बनना है ना, जॉब क्रिएटर बनना है, तो अकेले तो आप काम करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब सीकर बने पड़े हैं, राइट। हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या चीज होगा, जब हमारे पास क्या होगा, हम डायरेक्ट सेलिंग का जब हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, तो हम खुद का एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और हर बिजनेस के अंदर एक नेटवर्क ही है, विदाउट नेटवर्क कोई भी बिजनेस नहीं चलता। और अगर आप इस चीज को समझेंगे, इसको नेगेटिव वे में लेके जाएंगे, तो इसमें दैट इज योर फॉल्ट। एंड सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, वेलकम है आप सभी का फॉरएवर लिविंग के डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट के अंदर। ये जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करती है, राइट। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानेंगे हम, प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, 1978 में इस ब्रांड का स्टार्टअप हुआ था, कैश रिच एंड डेप्ट फ्री ब्रांड है, ठीक है। 1.6 बिलियन के एसेट्स है, 1 बिलियन में 7,000 करोड़ आते हैं, सोच के देखिए 1.6 बिलियन के एसेट्स है, संपत्ति है फॉर एवर लिविंग की। इसके अलावा बात करूं वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की, तो 2.5 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, 25,000 करोड़ से ज्यादा की इस ब्रांड के टर्नओवर क्रिएट हो चुके हैं। ऑनगोइंग ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान है, ग्लोबली हम वर्क कर रहे हैं। एक्सीलेंट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, एक देश में 160 देशों में आज हम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और ये हमारे टॉप ग्लोबल ऑफिसेज हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज आपको मिलेंगे, चाहे वो USA का ऑफिस हो, चाहे वो दुबई का ऑफिस हो, चाहे वो जर्मनी का ऑफिस हो, ठीक है, हंगरी का हो, कहीं का भी
आप अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और हाई लेवल की है। देखो इस दुनिया में ना चार कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा इस चीज के बारे में। चार कैटेगरी कौन कौन सी है, दैट इज ESBI, है ना, ये चार क्वाड्रेंट है, इन्हीं चार क्वाड्रेंट के अंदर लोग जाते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ई स्टैंड्स फॉर इम्प्लॉय कैटेगरी। मैं थोड़ा सा इसको आपको और क्लियर करना चाहूंगी। ई स्टैंड्स फॉर, आप चेक करिए आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। ई स्टैंड्स फॉर इम्प्लॉय कैटेगरी। इम्प्लॉय कौन होता है, जो किसी के अंडर काम करता है, जो किसी के बिजनेस में एक जॉब करता है, उसको बोला जाता है इम्प्लॉय। ठीक है, वो जॉब करता है। अब जॉब की फुल फॉर्म की बात करूं तो ज्वाइन अदर बिजनेस होता है, मतलब एक इम्प्लॉय किसी और के बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, वहां पर नौकरी करता है, अपना टाइम सेल करता है, ये अपना वक्त बेचता है और घंटों के अकॉर्डिंग से इनकम आती है। राइट, एक इम्प्लॉय ऐसा होता है, देखो इसके पास ना तो कोई टाइम फ्रीडम है, ना इसके पास पैसा है, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ना इसके पास कोई लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हाँ लाइफ स्टाइल का सीधा सा कनेक्शन हमारी पैसे से है। राइट, जैसा जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल होगा। सेकंड थिंग इज दैट, दैट इज सेकंड कैटेगरी, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, ठीक है, हाँ ये इम्प्लॉय कैटेगरी से ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे आप कोई शॉप ओपन कर लेते हो, एक शॉपकीपर, एक होलसेलर, एक टैक्सी ड्राइवर, एक बड़े बड़े प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उन्हें एक्टिवली होकर ही काम करना पड़ता है। ई और एस कैटेगरी जो है ना, इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, इनको एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अगर ये एक्टिव नहीं होंगे, एक्टिवली का मतलब क्या है, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जब तक एक इंसान जो इम्प्लॉय जॉब पे जाएगा तभी उसे पैसा आएगा। जब तक एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान अपनी शॉप ओपन करेगा, शटर ओपन करेगा, कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, सामान बिकेगा, उससे उसे पैसा आएगा। मतलब क्या चीज है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर बिजनेस एक इंसान को चला रहा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में ये फर्क है। राइट, उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज बिजनेस कैटेगरी। अब कुछ लोग सोचते हैं मैंने तो दुकान खोल ली, मैं एक बिजनेसमैन बन गया। नहीं, बिजनेसमैन वो नहीं है जिसकी एक छोटी सी दुकान है, बिजनेसमैन वो है जिसके अंडर एक नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, और आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो नेटवर्क के नाम से नेगेटिव नहीं होना, हमने नेटवर्क के नाम से हमने पॉजिटिव होना है। क्योंकि देखो हम जिस चीज के पीछे जा रहे हैं, जो चीज हम करना चाहते हैं ना, वो बिजनेस के अंदर नेटवर्क ही है। विदाउट नेटवर्क कोई बिजनेस नहीं चलता। राइट, जिसका 500 से ज्यादा, जिसके अंडर 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं ना, वो एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं इंसान। और एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक आइडिया पे वर्क करता है। राइट, वो क्या करता है, एक आइडिया पे वर्क करता है। और चौथी कैटेगरी, दैट इज इन्वेस्टर कैटेगरी। एक बिजनेसमैन आइडिया पे वर्क करेगा और इन्वेस्टर उस आइडिया पे पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर के पास बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है, ये बिजनेसमैन के आइडियाज के ऊपर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट में बिजनेस की डिमांड बढ़ती है, उसी तरीके से एक इन्वेस्टर का पैसा डबल होना शुरू हो जाता है। राइट, अब जो ये राइट साइड पे जो दो क्वाड्रेंट है, बिजनेस एंड इन्वेस्टर, राइट, यहां पर क्या चीज है, यहां पर वो अपने वक्त को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ई और एस कैटेगरी अपने टाइम को बेचते हैं। और वो क्या करे, इन्वेस्ट कर रहे। फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन्होंने एक बार की मेहनत होती है, एक तरीके से ये पाइपलाइन फिट कर लेते हैं, इनको जिंदगी भर पैसा आता रहता है। अंडरस्टैंड करेगा, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर कैटेगरी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय? 95% जो लोग इस दुनिया के है ना, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। सिर्फ इस दुनिया के 5% लोग बिजनेस ओनर इन्वेस्टर बनते हैं। राइट, और यहाँ पर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी को पैसिव अर्निंग आती है। काम करना भी छोड़ दे तब भी ने पैसा आता रहेगा। अंडरस्टैंड करिएगा। और बाकी आपको इस बिजनेस प्रोजेक्ट से फॉरएवर लिविंग के एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिजनेस ओनर कैटेगरी में आने का मौका मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बना रही, ये कैटेगरी आपको क्या बना रही है, ये कैटेगरी आपको बिजनेस ओनर और आने वाले टाइम में आप इन्वेस्टर बन सकते हो यहाँ से पैसा कमा के। राइट, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडिया में ये प्रोजेक्ट आया था अप्रैल 2000 के अंदर। ठीक है, 19 ब्रांचेस इसके ओपन हो चुके हैं, 43-44 ईयर की स्टेबिलिटी है। 1978 को इसका स्टार्टअप, और 2022 में 13 मई को इसको, अभी इसी मंथ कितने ईयर्स हो चुके हैं, 44 ईयर्स हो चुके हैं। इसके अलावा अब हम चेक कर लेते हैं कि हम इस सिस्टम का पार्ट क्यों बने और इस सिस्टम से भी मिलेगा क्या, व्हाई फॉरएवर।
सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगी, फॉरएवर में ऐसा है कि एग्जैक्टली जो बाहर की इंडस्ट्री में आपको नहीं मिल सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर लिविंग जिस चीज में डील कर रही है, सबसे पहले बोला जाता है 21वीं सेंचुरी का फूड है एलोवेरा, ठीक है? एलोवेरा में फॉरएवर लिविंग डील कर रही है, और एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, कहा जाता है द लार्जेस्ट ग्रोअर मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोवेरा फॉरएवर प्रोवाइड करती है, मतलब पूरी दुनिया का 85% शेयर पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया पूरे देशों के अंदर 85% शेयर फॉरएवर कंप्लीट करती है, ठीक है? एथिकल एंड फ्रेंडली, एनिमल फ्रेंडली है, ठीक है? किसी भी तरीके का एडिक्शन या कोई भी किसी भी हमारा जो प्रोडक्ट कोई भी जानवरों के ऊपर इस्तेमाल होकर नहीं आता, ठीक है? सारे के सारे प्रोडक्ट क्लोज टू नेचर है, चाहे वो एनिमल्स पे यूज कराओ चाहे वो इंसानों पे यूज कराओ, राइट? ये सिस्टम आपको, ये सिस्टम आपको उस लेवल पे पहुंचा देता है कि आप चैरिटी करने के लायक बन जाते, कैश एंड डेब्ट फ्री ब्रांड है, कैश रिच, ठीक है? बहुत ही ज्यादा रिच ब्रांड है, कोई किसी भी तरीके का कोई भी कर्ज नहीं है इस ब्रांड के ऊपर। और इसके अलावा बात करूं, फाउंडेड ऑन फैमिली वैल्यूज विद अ पैशन फॉर पीपल, ठीक है? आप यहाँ पे रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको रियल में रियल फ्रेंड्स मिलते हैं, एक तरीके से फेक फ्रेंड्स नहीं मिलते। बाहर सोसाइटी के अंदर हमारे फेक फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं हम मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन जैसे ही माड़ा टाइम आए, जैसे कोई जरूरत पड़े वो साइड हो जाए, ऐसे लोग हैं बाहर मार्केट में। यहां पर अगर मैं बात करूं, आप अपनी इनकम को, अपने कैरियर को खुद कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल ऑफ योर इनकम एंड कैरियर, राइट? इसके अलावा बात करूं, एन इनकम स्ट्रीम दैट अनकैप्ड। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सारे के सारे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो रेटिंग्स मिली हुई है, इंटरनेशनल लेवल की रेटिंग मिली है, कोशर रेटिंग, हलाल, इस्लामिक सोसाइटी सर्टिफाइड, राइट? इसके अलावा मैं बात करूं, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड वो होते हैं जिस ब्रांड के 3 प्रोसेस खुद के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्लांटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज मैं बात करूं ना, किसी भी एक कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लो, इनफैक्ट एप्पल है, आईफोन है, ये भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि इसके पार्ट चाइना में तैयार होते हैं, ठीक है? और कहां का ये ब्रांड? यूएसए का, कैलिफोर्निया, अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज को। एंड इसके अलावा मैं बात करूं, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम फ्रीडम यहाँ पर है। सोच के देखो, मैं राइट नाउ मेरे घर पे बैठी हूँ, ठीक है? इतना बढ़िया बिजनेस है कि मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं घर पे बैठ के काम करना चाहूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे बिजनेस को चला सकती हूँ, राइट? और यहाँ पर ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट गिव्स यू बोनस एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, वेरियस इंसेंटिव फॉरएवर लिविंग ने रखे हैं, ठीक है? चाहे वो गाड़ी लेने का हो, चाहे वो फॉरेन टूर्स का हो, चाहे वो घर लेने का हो, ठीक है, लाखों रुपए की इनकम हो, करोड़ों रुपए की इनकम, सब कुछ सारे इंसेंटिव फॉरएवर लिविंग ने सबके लिए दिए हैं। फॉरएवर हमें एक्साइटमेंट, पीस ऑफ माइंड, आपकी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, आप बहुत खुश रहते हैं, ठीक है? अब सारी की सारी खुशी का सीधा सा कनेक्शन पैसे से ही तो है, कहते हैं सुख के सारे साधन पैसे से तो आते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, आप अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हो, है ना, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर रहे हो, तो मन की शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। घर में क्लेश का कारण क्या? पैसा। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टाइम यहाँ पर आपको पता लगती है, पार्ट टाइम करना चाहो, फुल टाइम करना चाहो, कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी इंप्लॉय हैं, तो आपको कोई रिस्क नहीं अपनी जॉब छोड़ने का, फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ मिलेगा। और आप यहाँ पे जो इंसान बन जाओगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी सिस्टम हमें प्रोवाइड करा, हमारे कल को जाने के बाद हम इस दुनिया में है, ठीक है? हम इस दुनिया में, हम आज जो भी काम कर रहे हैं ना, हमारे कल को जाने के बाद हमारी फैमिली को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इतना बेस्ट सिस्टम है ये। उसके बाद ये सिस्टम मिलियनेयर क्लब, मिलियनेयर क्लब क्या होता है? मिलियनेयर कौन होता है? वो इंसान जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा साल की होती है, उसको मिलियनेयर के अंदर माना जाता है। और फॉरएवर लिविंग की बात करूं ना, हर साल मिलियनेयर बना रही है फॉरएवर लिविंग, हर साल 100-150 मिलियनेयर निकाल देती है। या 2017 से 2018 में 112 मिलियनेयर बने थे, ठीक है? यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2019 से 20 में 2021 क्या ये है, और अभी 2020 से 2021 का, और 2000 अभी मैं अगर नियर अबाउट बात करूं ना, टोटल 4,500 के नियर मिलियनेयर बन चुके हैं, ठीक है? मैं ऑल्सो यहाँ पे सिस्टम में मिलियनेयर हूँ। इसके अलावा मैं बात करूं, आप अपनी इनकम को कैसे वर्ल्ड वाइड जनरेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या कर सकते हो, ग्लोबली फैला सकते हो, आप जो कि है यूरोज में, दिरम्स में, डॉलर्स में इनकम को अर्न कर सकते हैं, राइट? ग्लोबल लीडरशिप इनकम यहाँ पे मिलते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स है ना,
ऑल प्रोडक्ट्स के वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, वंडरफुल प्रोडक्ट्स के वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में आप यूज करवा सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट है। बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े प्लेयर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर। हमारा आरजी प्लस है, जिसको जिसकी अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको नोबल अवार्ड तक मिला हुआ है, अंडरस्टैंड करेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कर रहे हैं यूज इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, सबको FSSAI की सील सर्टिफिकेशन सब कुछ मिला हुआ है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाइसेंस मिला अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है, सर्टिफाइड क्वालिटी है इसकी। सो अब हम चेक कर लेते हैं बिजनेस की बात करें। देखो ये जो बिजनेस है ना, ये सीसी पे डिपेंड करता है, किस पे चलता है ये बिजनेस, सीसी पे चलता है। फॉरएवर के अंदर डॉलर नहीं चलता, यूरो नहीं चलता, पाउंड नहीं चलता, रुपीज नहीं सर है, फॉरएवर के अंदर सीसी चलता है। और सीसी सिस्टम बनाया है क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस 160 से ज्यादा देशों में। अब हर देश की करेंसी अलग अलग है, और सारे देशों की करेंसी को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा टफ प्रोसेस हो जाता और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इस चीज में। तो फॉरएवर लिविंग ने इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए सीसी बना दिया। अब सीसी है क्या एग्जैक्टली, उसको समझिएगा। सीसी है बिजनेस करेंसी। सीसी क्या है? बिजनेस करेंसी। फॉरएवर ने अपने हर प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दिए, जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, आरजी प्लस को 387 पॉइंट मिले। जब हम इन प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करके 1000 बना लेते तो 1cc कंप्लीट हो जाता है, जो कि नियर अबाउट 18000 में हमारा 1cc डन हो जाता है। 2cc 2000 पॉइंट के टर्नओवर, 36000 में हमारा 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है। वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आप किस तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, 15000 से ज्यादा अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल 25cc पे 30000 से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हो। देन 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिस पे आप अपनी इनकम को 50000 से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हो। उसके बाद आता है 120cc पे ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, जिस पे आप अपनी इनकम को 1,00,000 से ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैनेजर बन गए ना, फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। आप जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ होगी। फुल टाइम देंगे 5 से 6 महीने में मैनेजर बन सकते हैं, पार्ट टाइम करेंगे 10 महीने 12 महीने में मैनेजर बन सकते हैं। हमें करना क्या एग्जैक्टली, उसको समझेंगे। हमें अपने इस बिजनेस प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया पे शेयर करना है, हेल्थ को भी कर सकते हैं, वेल्थ को भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बड़े बड़े बिजनेस मैन क्या कर रहे हैं आज का टाइम में, ऑनलाइन अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट का ऑनलाइन यूज करके स्मार्ट तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, गूगल एड्स के थ्रू लोग बिजनेस को बिल्ड करें, यहाँ पे यूट्यूब एड प्रमोशन। आपने देखा होगा कि ना, जब भी हम यूट्यूब चलाते हैं ना, बहुत सारी वेरियस एड्स आती हैं। वो आपको पता है, वो एड्स के अंदर एक लिंक मिलता है कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रोडक्ट्स की, कोई ना कोई सर्विस की वो एड हो रही होती है वहां पे, राइट। जो जिससे क्या हो रहा है, बार बार एक इंसान उस एड को देखेगा तो उसके माइंड में आएगा, और जब वो उस पर टच करता है वो लिंक पे पहुंच जाता है, उस वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अंडरस्टैंड करिएगा ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, क्योंकि यूट्यूब एडवर्टाइजिंग आज के टाइम में लोग इससे अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, आप ऐसी ऐसी भी एड्स होती हैं जिसको आप स्किप भी नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा बात करो हम कैसे इंस्टाग्राम से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वे बता देती हूँ। अभी तक हमने अपनी नॉर्मल बेसिक प्रोफाइल बनाई होगी, अपनी बेसिक प्रोफाइल को हमने सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, आपने जाना है सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में जाना। अकाउंट्स में जाने के बाद आपका जो बेसिक अकाउंट है ना, उसको आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर ले। जैसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके की कैटेगरी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर आएगा विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, क्रिएटर हो या बिजनेस है, बिजनेस सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आएगी, कैटेगरी में आप डाल सकते हैं एंटरप्रेन्योर जो भी है इस तरीके का। फिर थर्ड में आपका इस तरीके का पेज, और यहाँ से ही जैसे यहाँ पे प्रमोशंस आ रहा है इनसाइट, आप फिर अपने सोशल मीडिया से यहाँ पे प्रमोशंस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद आप कोई भी पोस्ट डालते हैं, ठीक है, आप कोई भी स्टोरी डालते हो, उसको भी आप क्या कर सकते हो, उसको भी आप शेयर कर सकते हो, उससे भी आप प्रमोशंस कर सकते हो। अदरवाइज कोई आप पोस्ट डालते हैं, पोस्ट को भी बूस्ट करके, ठीक है, क्या कर सकते हो, प्रमोशंस करते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है कि आपको प्रोफाइल, वेबसाइट, डायरेक्ट मैसेज चाहिए, प्रोफाइल पे मैसेज चाहिए, वेबसाइट बनानी है, वो आपने यहाँ पे करेक्ट कैटेगरी चूज की। उसके बाद अपना टारगेट ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस की अगर बात करूँ, कितने लोगों तो आप अपनी एड को पहुंचाना चाहते हो, कौन कौन से एरिया में पहुंचाना चाहते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। किस एज के ग्रुप के जो कि लोगों के पास आपकी प्रमोशन जानी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पे कुछ पैसों के अंदर जैसे 160 रुपए में 2 दिन की प्रमोशन होती है, और आपके पास बहुत सारी लीड्स ही लीड्स आ जाती है, और यहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप खुद प्रमोशन करके अपने टारगेट ऑडियंस को हिट कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर हो रहा है। पेड प्रमोशन कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हाई रीच पेजेस जो होते हैं इनके बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जो की है फॉलोअर्स होते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं उन्हें कि अपनी स्टोरी, अपनी कोई पोस्ट उन्हें शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको अमाउंट बता देते हैं कि इतने पैसे में आपकी प्रमोट कर दूंगा। उससे भी आपको काफी सारी लीड्स आ जाते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आज हमारी वाई क्या है, हम इस काम को करना क्यों चाहिए। अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप चाहते हो सेल्फ डेवलपमेंट अपनी करनी, अगर आप चाहते हो पेंशन प्लान आपको, लाइफस्टाइल अच्छा चाहते हो, गाड़ी का सपना है, घर का सपना है, घूमने का सपना है, अच्छी हेल्थ का सपना है, तो आप इसमें से कोई भी वाई चूज कर सकते हो कि क्यों करना है, ठीक है। होगा कैसे, उसके लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे फॉरएवर लिविंग कार लेने के लिए भी मैं पैसा देती हूँ 3 लेवल्स में, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 26,000, लेवल 2 में 39,000, लेवल 3 में 52,000। बाकी इसकी पूरी की पूरी एग्जैक्टली क्वालिफिकेशंस जो कि आगे आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग्स में पता लगेंगी। एंड बहुत सारे अचीवर्स है जो कार प्लान को अचीव करके गाड़ियां यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। लेटेस्ट कार प्लान अचीवर्स की बात करूँ, गौरव सर है हिसार से, ठीक है, वरना कार बाय की यहाँ से, ऑलरेडी मैं खुद कार अचीवर हूँ, मैंने सिस्टम से 17 लाख रुपीज की लास्ट ईयर कार जो की है बाय की और अपने मदर को गिफ्ट की। सोच के देखो जब आप अपने पेरेंट्स का कोई भी ड्रीम पूरा करते हो ना, तब उन्हें कितना ज्यादा प्राउड फील होता है। इस वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। आंटी कैसी है, कैसी दिखाओ, अब शो तो करो, सरप्राइज तो शो करो। हाँ जी टीम एक्साइटेड हो? यस सर। यार एक बार एक्साइटमेंट तो दिखाओ सारे। आर यू एक्साइटेड? यस सर। क्या बात है जी। हाँ जी टीम दे सकते हो जी आपके लिए क्या सरप्राइज था जो इतनी देर से रुका हुआ था। ये पकड़ो, पूरी शो कर सकते हो आप। तो एक स्पीच मम्मी जी की लेंगे, आ जाओ। हाँ जी आंटी, फिर आप टीम के लिए एक स्पीच दे दो आज की मम्मी जी के लिए। सबसे पहले तो बेटियां जिंदाबाद, बेटियों से बेटी जिंदाबाद। जो बेटियां कर देती बेटे कभी नहीं कर पाते माँ बाप के लिए। बेटियों को कभी कम मत समझो बेटों से, वो माँ बाप गलत समझे जो बेटियों को घर बिठा कर रखते हैं। उनको आगे निकालो और कामयाब होके दिखाती है बेटियां। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, आज बहुत कुछ कर दिखाया मेरी बच्ची ने। मैं इसको ऐसा समझती थी भी ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, पर इसने करके दिखाया है। बस यही हर एक माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ, बेटियों को आगे लाओ, बेटियों को घर पर मत बिठाओ, उनको कामयाब होने दो, किसी को मुताज मत होने दो। अच्छा ये तो बता दो, लड़कियां 4 दीवारी के लिए बनती है क्या, कुछ कर भी सकती है? कुछ कर सकती, सब कुछ कर सकती है बेटी। अच्छा मैसेज दे रहे आंटी, तो आप सबने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी फैमिली के ड्रीम्स जब पूरे करते हैं ना, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, बट वो खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर ड्रीम है कार लेने का, तो वो ड्रीम आप पूरा कर सकते हो। इसके अलावा डोमेस्टिक फॉरेन टूर्स यहाँ पे मिलते हैं, डोमेस्टिक को मैनेजर रिट्रीट बोला जाता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल टूर है, मैनेजर ट्रिप फॉरेन ट्रिप होता है। तीसरा एक और टूर है जिसको, ये भी इंटरनेशनल ट्रिप है, फॉरेन फॉरएवर ग्लोबल रैली, ठीक है। और EMR की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये अलग अलग देशों में हर साल जाता है, इस साल जो जा रहा है मैक्सिको जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होता किस लेवल का, 7-स्टार एग्जॉटिक टूर है, 1+1 है, ठीक है। साथ में शॉपिंग तक का पैसा फॉर एवलिविंग आपको देती है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा ग्लोबल रैली की अगर मैं बात करूँ, तो ग्लोबल रैली देखो पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, बहामास गया, पताया गया, और अभी मैं बात करूँ ना, सॉरी जो की है स्वीडन भी जाकर आई है ग्लोबल रैली। सिडनी गई थी, एंड सिडनी तो जा नहीं पाई बिकॉज कोरोना की वजह से वो टूर कैंसिल हो गया था, लेकिन अभी इस साल हम अबू धाबी जाकर आए हैं, ठीक है। ग्लोबल रैली इस टाइम 2022 के अबू धाबी में थी, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, 1+1 था, साथ में ईच एंड एवरीथिंग फॉर एवर लिविंग ने हमारे लिए किया था। पर हेड की अगर मैं बात करूँ ना, पर पर्सन पौने 2 लाख रुपए फॉर एवर लिविंग ने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर खर्च किए होंगे, अंडरस्टैंड करेगा। वहां पे हमें चेयरमैन बोनस भी मिलता है, और किस लेवल में होते हैं, करोड़ों में भी होते हैं, ठीक है। लेवल 1 में जो कि है 18 लाख रुपीज, लेवल 2 के चेक्स करोड़ को भी बीट कर जाते हैं, और लेवल 3 के चेक की अगर मैं बात करूँ 3 करोड़ 84 लाख रुपीज, ठीक है, मिस्टर सूर्य सिन्हा ने लिया था, ये भी ग्लोबल रैली के अंदर। बहुत सारे यहाँ पर हैं चेयरमैन बोनस अचीवर्स। इसके अलावा बात करूँ तो देखो, सबसे पहले हमारा एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप का विजन क्या है, कि हम सभी लोग मिलकर सक्सेस हों,
ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लीडर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, जिनकी अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब को फिट करके भी यहाँ पे सिस्टम का पार्ट बने। मिस्टर पवन सर है, ऑलरेडी 3-3 सरकारी जॉब को क्विट करके, देख सकते हो उनके ज्वाइनिंग लेटर्स है, 3 सरकारी नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस के अंदर आए और इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि देखो ऑलमोस्ट जॉब्स खत्म होती जा रही है और हमें जॉब के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, और हमें एक अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। अब सबसे पहले कुछ लोग सोचते हैं यार ये मैम ने क्या दिखाया, मैम तो शो ऑफ कर रहे हैं, मैम ये दिखा रहे हैं ऐसे करोड़ों आ रहे हैं, अरब वो आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज आपको दिखाई जा रही है तो वो कोई स्कैम है, ठीक है। और बिकॉज अगर वो स्कैम होता तो आप देख ही सकते हैं वेरियस जगह पे बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर पोस्टर लगा होता है, किसी कोचिंग सेंटर के बाहर पोस्टर लगा होता है, वो भी तो दिखाई रहे, वो दिखा इसलिए रहे हैं कि अगर ये लोग करेंगे तो आप भी कर सकते हो, आप भी आओ, हमारी एकेडमी बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC क्लासेस है ना, एन एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स, ये वेरियस आपको पोस्टर, ये स्कैमर्स नहीं है, ये जस्ट ये सारी चीजें दिखाने का मेन मोटिव क्या है कि आप लोग भी उस चीज को करें, इसको स्कैम ना समझे। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हम अपने जो की है पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, तो ये सारी चीजों को हम खुद चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे कि क्या है एग्जैक्टली सारी चीजें। और मेक योर सोशल साइट प्रोडक्टिव, हमारी जितनी भी सोशल साइट्स है जिन्हें हम आज तक टाइम वेस्ट करने में यूज करें उन्हें प्रोडक्टिव बना के यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक अच्छा बेटर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सो दैट आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी, गो डिजिटल। और स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो देखो उसको थैंक्स बोलिएगा जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है, और इसके अलावा जिन्होंने वेबिनार के लिए लिंक दिया था उन्हें सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रजिस्ट्रेशन को डन करें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको हमारे बिगनर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको 4 दिन की पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और सो दैट आप सारे के सारे इस बिजनेस प्रोजेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर पाए। और यहाँ पे एक चीज लिखी है चूज योर ओन पाथ, ध्यान रखना एक चीज लिखी हुई है एंड में, कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप सोचते हैं यहाँ पे बिना सीखे सारी चीजें मुझे मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, सीख के ही सब कुछ मिलने वाला है आपको, तो सीखने पे फोकस करिएगा। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, जितनी अच्छे से लर्निंग करोगे आज उतनी अच्छी अर्निंग होगी इन फ्यूचर आपकी। तो बाकी आज का जो वेबिनार था वो यहीं तक था, होप आपको बहुत कुछ समझ आएगा आज के वेबिनार के अंदर, ठीक है, कि हमें कौन सी किस चीज को चूज करना चाहिए, ठीक है। और इस इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बेसिक आपको पता लगा होगा। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, आगे आपको डीपली एक एक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, तो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहिएगा। और जो कि है थैंक्स जरूर बोलिएगा जिन्होंने भी आपको लिंक दिया था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।